नमस्कार दोस्तों, वास्को चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं बहुत दिन से अपने जो है लाइसेंस बना रहा हूँ, लोगों को बता रहा हूँ, और बहुत से लोगों के कमेंट्स भी आ रहे हैं, सर हमें ये प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं कुछ अच्छे से एलोबरेट करके इन सब लाइसेंस को बनाता हूँ, तो जिससे जो है सीखने वालों में जो दिक्कतें आ रही हैं वो आसानी से समझ सकते हैं और अच्छी जो है बांसुरी बजा सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने जैसे आपको बताया कि बांसुरी जो कैसी लेनी चाहिए या बांसुरी में जो कैसे मतलब आपको सरगम बजाना चाहिए, ये सब मैंने आपको मैं बता रहा हूँ धीरे धीरे। देखिए, आपको लग रहा होगा कि ये बेसिक्स ज़्यादा बजाने हैं, हम केवल बेसिक्स ही बजा रहे हैं, बाकी हमको कुछ आ नहीं रहा है। लेकिन देखिए, जब आपकी नींव अच्छी होगी तभी आपकी इमारत बुलंद होगी। तो हमेशा जो है नींव बहुत मजबूत होनी चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप अपने बेस को मजबूत करिए, बेस को मजबूत करके इस छोटी छोटी चीज़ों को टिप्स को ध्यान में रखिए कि हमारी बैठने की पोजीशन क्या है, हमारी ग्लो करने की पोजीशन क्या है, या हमें किस टाइप से ग्लो करना चाहिए, या किस स्केल की बांसुरी में किस टाइप से ग्लो किया जाता है, ये सब चीज़ ध्यान में रखना चाहिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि हाउ टू ब्लो इन फ्लूट। बहुत सिंपल सा लेसन है कि बांसुरी में फूक कैसे मारें। मतलब सुनने में तो ये बहुत इजी लेसन है, बट ये बहुत ही टिपिकल लेसन है। बांसुरी में फूंक ही आपका मेन आधार है। अगर आपकी फूंक अच्छी है, ब्लो का प्रेशर अच्छा है, तभी आप जो है अच्छी बांसुरी, अच्छे गाने, अच्छे बॉलीवुड गाने या अच्छा जो है शास्त्रीय संगीत आप बजा सकते हैं। तो देखिए, ये सब चीज़ें जो हैं, पहले क्या था कि गुरु के पास जाके हमें सीखना पड़ता था। तो कहते हैं ना, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता, तो ये तो बात सही है। लेकिन आज जो है नेटवर्क, इंटरनेट की दुनिया है, तो आजकल आपको घर बैठे भी जो है कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स मिल जा रहे हैं जिससे आप कुछ ना कुछ उसके बारे में मालूम कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। लेकिन जो आप गुरु के पास जाके सीखेंगे उसमें और भी निखार आता है। ऑनलाइन में आप कर सकते हैं, बट आपको जो है किसी गुरु के पास जाके आप सीखेंगे, तो वोकल सीख रहे हैं, क्लासिकल सीख रहे हैं, सुर आपके दिमाग में आ रहा है, तो वो ज़्यादा बेटर होता है। लेकिन कोई बात नहीं, आप ऑनलाइन में भी जो उसको चीज़ों को बहुत सी चीज़ें आप कर सकते हैं। आपको कहीं डाउट हो तो आप उससे बात कर सकते हैं, बात करेंगे, मैं आपको उसको और क्लियर कर दूंगा। कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप उस पर जो है प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपका उंगलियों का चलन, आपकी फूक फूक की स्टाइल, आपकी शैली, सब चीज़ रहेगी। कहते हैं ना कि अगर आपको अच्छा कलाकार बनना है तो सबसे पहले अपने मन को एकाग्र करिए और एक अच्छा इंसान बन जाइए। अगर आप अच्छे इंसान बन जाएंगे तो अच्छे कलाकार भी बन जाएंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ बांसुरी में फूंक कैसे मारें। देखिए दोस्तों, ये बांसुरी है, मैंने ये बांसुरी ली है। अब देखिए, इसमें क्या होता है कि बांसुरी की स्किल्स कई होती है। जैसे बांसुरी की कई स्केल्स होती हैं, जैसे मान लीजिए ये मेरी सी नेचुरल की बांसुरी है और ये मेरी जो है एफ शार्प बेस की बांसुरी है। अब देखिए, इन दोनों को मैं आपको दिखा रहा हूँ, इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। इसका बैम्बू थोड़ा मतलब मोटा रहता है, इसकी लंबाई और उसमें दोनों में अंतर है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि बांसुरी में ब्लो कैसे करें। देखिए, बांसुरी का जो ये ग्लोइंग होल है, जब हम इसमें ब्लो करेंगे तो इसको ये नीचे की लिप्स जो हमारी है, नीचे की लिप्स है, इस पर यहाँ पर जो सेंटर वाला पोर्शन है, यहाँ पर हमें जो है ब्लो का ब्लोइंग होल का ये जो पोर्शन है इसको 50% इस चीज से ढकना है, आपके नीचे की लिप्स से। देखिए इस तरह से इसको सेंटर में रखिए, उसको टर्न कर लेते हैं और हल्का सा प्रेस करिए। जब प्रेस करेंगे तो नीचे की लिप्स आपकी जो बराबर हो जाएगी और ऊपर का जिले है उसको पीछे करते हैं, मतलब स्माइलिंग फेस। जैसे आपका फेस ये है, आपने स्माइल किया तो थोड़ा ये चीज पीछे एक तरफ आया, तो स्माइलिंग फेस जब रहता है तब इसको हमको ग्लो करना है। तो ये पोजीशन होनी चाहिए आपकी ग्लो करने के लिए। आपने एक चीज ध्यान दिया होगा, बचपन की जो शरारतें होती हैं वो कभी कभी बड़े गुण होकर वो हमारे इस्तेमाल में आते हैं। देखिए, जो पेन का ढक्कन होता है, कैप होता है, उसको अगर आप लेके ऐसे करके ऐसे बजाते थे पहले बचपन में,
तो उसके अंदर जब एयर जाती थी वो बाहर निकलती थी, तब वो विसिल का साउंड उसमें प्रोड्यूस होता था। उसी तरह से ये जो आपका पोर्शन है, आप पहले पेन का ढक्कन ले लें, वो यहाँ लगाएं और उससे बजाने की कोशिश करें, मतलब पतली फूंक मारनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि ब्लोइंग होल का जो हमारा ये होल है और हमारे लिप्स का जो ये अपर्चर है, मतलब जितनी हमारी लिप्स ब्लो में खुल रही है वो इससे छोटी होनी चाहिए, मतलब आपके ब्लोइंग होल से ये छोटी होनी चाहिए, तभी जो है ब्लो का प्रेशर अंदर आएगा। आपने देखा होगा जो पानी का पाइप होता है गार्डन में, हम पानी डालते हैं तो उसमें तो नॉर्मल पानी अपने एक स्पीड से आता है, बट उसके टिप को अगर हम आगे से दबा देते हैं तो पानी क्या होता है, उसका प्रेशर बढ़ जाता है और वो दूर तक जाता है। तो इन द सेम वे जब अपने हम लिप्स के अपर्चर, जितना लिप्स हमारी खुल रही है तो उसको जितना हम छोटा बड़ा करेंगे उसके हिसाब से फ्लूइड बचती है, मतलब ब्लो का प्रेशर हम उसी हिसाब से कंट्रोल करते हैं। अगर हमें ब्लो का प्रेशर बढ़ाना है तो हमें अपने ब्लोइंग होल के अपर्चर को छोटा करना पड़ेगा, और अगर हमें जो है ब्लो का प्रेशर कम करना है, मंद सब तक जाना है, तो हमें लिप्स का अपर्चर थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। तो ये देखिए एक मतलब साइंस है एक तरह से। देखिए बांसुरी बजाना एक बहुत बड़ी कला है, ये बहुत बड़ी मैथमेटिक्स है, इसमें जो बहुत सा जो है आपको कैलकुलेशन करना है, हर चीज़ पे ध्यान रखना है। तो स्टेप बाय स्टेप जो है हम मैं आपको बताऊंगा ये ब्लो का प्रेशर आप कैसे कंट्रोल करना है। अब ये मैंने जो है ये जो ब्लो किया ये मैंने एफ शार्प बेस में किया। एफ शार्प बेस जो होती है वो 27 इंचेस की होती है। अब देखिए सी नेचुरल है, ये बांसुरी छोटी है तो इसमें जो मैं ब्लो करूँगा तो वो थोड़ी सी क्या होगी, हायर पिच पे होगी। देखिए जैसे तो आपने दोनों के साउंड में डिफरेंस देखा, देखिए बेस साउंड का जो ब्लो है और मिडिल फ्लूट का, तो देखिए दोनों में जो है साउंड का डिफरेंस है। तो इसलिए हमको अलग अलग स्केल्स की फ्लूट्स जो है उसको यूज करना पड़ता है, जहाँ पर जिसकी आवश्यकता होती है उस टाइप से यूज करना पड़ता है। लेकिन देखिए बेस की जो बांसुरियाँ होती हैं उसमें मिठास ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें हमको बेस साउंड मिलता है। तो बेस साउंड जो मिलता है वो थोड़ा सुदिंग म्यूजिक होता है, थोड़ा कान में कम लगता है। लेकिन जो मिडिल की बांसुरियाँ या छोटी बांसुरियाँ हैं उसमें क्या होता है कि वो कान में थोड़ा कर्कशता आती है, इसको थोड़ा बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ता है। तो जैसे देखिए छोटे बच्चे हैं, चंचल होते हैं, अगर आपके घर आए तो कभी इस चीज़ को छुएंगे, कभी दूसरे चीज़ को छुएंगे, तो आपको बड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, अरे बेटा ये मत छूना, अरे ये नहीं करना। तो वही हाल जो है छोटी बांसुरियों का है, और बड़ी बांसुरी जो होती है गंभीर होती है, मतलब थोड़ी मतलब जैसे एजेड आदमी होता है तो थोड़ा सा वो डिसिप्लिन में होता है, थोड़ा सा नाप तौल के बात करता है। तो यही गंभीरता जो है हमारी बड़ी बांसुरी में होती है। तो कहते हैं ना नदी का जो उद्गम होता है वहाँ पर पानी का फोर्स बड़ा चंचल होता है, लेकिन जब नदी जो मैदान में आती है तो वो एकदम शांत हो जाती है, मतलब उसका जो मतलब एरिया होती है वो भी चौड़ी हो जाती है, प्लस वो शांत हो जाती है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखिए। और देखिए हमारे दैनिक जीवन में जो भी चीज़ें घटित होती हैं वो हमें कहीं ना कहीं हमको उसका एक्सपीरियंस होता है। तो ये जो ब्लो का है प्रेशर है इसके लिए देखिए, अब मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं कि जब हम ब्लो का प्रेशर करते, जब हम फ्लूट में ब्लो का प्रेशर देते हैं, मतलब ब्लो करते हैं, तो ब्लो का जो डायरेक्शन होता है वो 45 डिग्री नीचे की तरफ होना चाहिए। देखिए ये पेपर ऑफ पीस है, मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए मैं जैसे ब्लो कर रहा हूँ, मैंने इसको एकदम स्ट्रेट रखा तो इसमें कोई मूवमेंट नहीं हुआ, लेकिन अब देखिए जब नीचे लेके आऊंगा तो इसमें मूवमेंट स्टार्ट होगा। आप इसको वॉच करिए, तो देखिए ये मेरी ब्लो जो है नीचे 45 डिग्री की एंगल पे आ रही है। तो ये ब्लो का प्रेशर ऐसे ही होना चाहिए, मतलब ब्लो जो है डाउनवर्ड्स होना चाहिए नीचे, तभी आपके वो फ्लूट के अंदर, तभी वो जो है ब्लो जो आपके फ्लूट के अंदर आएगी। अगर ऊपर चली गई तो वो होल जो ब्लोइंग होल के अंदर नहीं आएगी,
इस तरह से उसको लिप्स की पोजिशन स्माइल फेस और इस तरह से ब्लो करना है, ठीक है। देखिए मैं आपको एक फैदर से, ये मोर का पंख है, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए मेरी ब्लो जो है नीचे की तरफ आ रही है, इसको आप वॉच करिएगा कि इसमें मूवमेंट्स कब आ रहा है। देखिए जब मैं इसको नीचे कर रहा हूं तब इसमें मूवमेंट आ रहा है, इसका मतलब मेरी ब्लो इस डायरेक्शन में आ रही है, तो ये करेक्ट पोजीशन है। ये अच्छा उपाय जो है, आप किसी लुकिंग मिरर, जैसे शीशा होता है ना, शीशा लुकिंग मिरर के सामने खड़े हो जाइए और उसको अपने लिप्स पे लगाइए, तो आपका जो प्रतिबिंब है, आपका इमेज जो है आपको शीशे में दिखाई देगा, मिरर में दिखाई देगा कि आपकी ये जो पोजीशन है वो क्या आ रही है, मतलब सही पोजीशन आ रही है नहीं, आप उससे अपने को मॉनिटर कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है आपको मासे में फूंक मारनी है, ठीक है। तो देखिए बांसुरी में ब्लो करना एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इस पर ध्यान रखिए, इसकी प्रैक्टिस करिए। हाँ आप अपने प्रैक्टिस वीडियो अगर मुझे भेजेंगे तो उसमें जो भी कमी होगी मैं आपको बताऊंगा, आप उसको ठीक करिएगा और आप एकदम परफेक्ट बांसुरी वादक बनेंगे, ये मेरा वादा है। और मैं वैसे भी इस कला को जन जन तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ और लोगों को मैं फ्री मार्गदर्शन दे रहा हूँ कि आप इसको सीखिए, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। देखिए ईश्वर जो है वो गुरु को ये प्रेरणा देता है कि आपको मैंने ज्ञान दिया है, आप इस लायक हो गए कि आज आप दूसरे को जो है अपना ज्ञान बांट सकते हैं, दूसरे को एजुकेट कर सकते हैं, दूसरा आदमी को भी आप जो है निखारिए, उसकी कला को निखारिए, उसके जीवन को संवारिए, ये गुरु का कार्य होता है। और जो शिष्य होता है उसका भी काम होता है कि वो गुरु की रिस्पेक्ट करे और गुरु जो भी आपको ज्ञान दे रहा है उसको हर्षपूर्वक उसको आप ग्रहण करिए और जीवन में जो है निरंतर प्रगति करने की कोशिश करिए। तो दोस्तों अगर आपको मेरे चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हो सके तो और लोग को भी शेयर करिए, और लोग भी इस कला को सीख सकें और एक अच्छे कलाकार बन सकें और अपने जीवन में विभिन्न रंगों को भर सकें। तो चलिए चलते चलते मैं आपको एक धुन सुनाता हूँ।